खबरों में हदम सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी ने किया आगामी पंचायती चुनाव का विरोध। कोई भी आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी नहीं डालेगी वोट। मंडला, कई वर्षों से आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से आवेदन निवेदन कर रही हैं। कई बार आंदोलन, हड़ताल और रैली और ज्ञापन सौंपे गए और आवेदन निवेदन किए गए, मगर सत्ताधारी सरकार के कान में इन आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनी की आवाज नहीं सुनाई दी। अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी ने पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सभी आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी अपने घरों के सामने बोर्ड लगा दिए हैं और लिखा है यह आशा कार्यकर्ता का घर है, यह सहयोगिनी का घर है और हमसे और हमारे परिवार वालों से वोट मांगकर हमसे शर्मिंदा ना करें। आप वही जनप्रतिनिधि हैं जब हम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे तो हमें महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए गए, सड़क पर घसीटा गया, खींचा गया, जेल पे डाला गया। हमें माफ करें, हम इस बार आपको चुनाव में कोई सहयोग नहीं करेंगे। आप अपनी राजनीति और अपनी योजनाएं अपने पास रखें। हमारा संघर्ष जारी था, जारी है और जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, हम किसी भी प्रकार का मतदान नहीं करेंगे। पांच साल पर आए अब पर हैं बे पाओ भैया पाओ जाकर के हम आशा सहयोगिनी हैं, हम फील्ड जा रहे हैं और घर घर में भ्रमण जो कर रहे हैं जाकर के, उसी के अनुसार हम आशा लोगों से तुरंत हम पर्चा चिपका रहे हैं। हमारी सहयोगिनी बहने भी हम इसका विरोध कर रहे हैं। प्रतिनिधि का हम चुनाव जो कर रहे हैं उन लोग हम इसका मतलब विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि शासन प्रशासन ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और जब भी हम हड़ताल किए या हम कहीं हड़ताल करते हैं या कहीं बैठते हैं विरोध करते हैं, तो आज तक शासन हमारे पास में प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि कोई भी हमारे तक ये नहीं पहुंचता और नहीं पूछता तक नहीं है कि आप किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं, आपकी मांग क्या है। और आज घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अब ये सोचिए कि हमें मजबूर कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं होने वाले। हमारी पूरी मध्य प्रदेश की आशा एवं आशा सहयोगिनी बहने हैं, हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं जन प्रतिनिधियों की कि हम चुनाव में मतलब किसी को वोट नहीं देंगे और ना ही तो हम हमारी बहनों को वोट देने देंगे, ना हमारे परिवार को वोट देने देंगे। हम उसका विरोध करेंगे और हम विरोध करना हमारा चालू हो गया है। और हम ये सोचते हैं कि शासन जब तक हमारी बातें ना सुने तब तक हम विरोध करेंगे। कोई भी अधिकारी आए या कोई भी कार्य हो, हम उसका विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को लेकर के शासन तक बात ना पहुंचे। धन्यवाद। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।